हमने कहा था कि हम गरीब हैं, भिखारी नहीं। चिंटू के इलाज के लिए तुम्हारे बाबूजी ने घर को बेचने का फैसला किया है। कौन है जो मेरे लिए खतरा बनकर आ रहा है? दाता ने खुद तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है सिंदूर। बेटा बेटा कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, आप? बढ़िया, सब तो मैं कितना याद कर रही। चलो अंदर। नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते। दिव्या, बनारस कैसा लगा? ये हमारे गुरुजी, हमारे आदरणीय, इनकी कही हुई कोई भी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत साबित नहीं। बैठ चुके, आशीर्वाद लो इनके। बहुत दूर से आई हो, पहली बार आई हो, पर तुम्हारी जड़े यही है। और तुम यही रहने वाली हो। मैं यहां सिर्फ छुट्टियों के लिए आई हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। भाग्य के हर करवट के लिए किसी एक बहाने की जरूरत होती है। शायद तुम्हारी छुट्टियां भी एक बहाना ही था। भाग्य ने करवट ली है, तुम यही रहो। और यहां से हमारा अर्थ है ये देश नहीं, ये देश नहीं, ये घर है। तुम्हारा भविष्य इस घर से जुड़ा हुआ है। हो सकता है इस घर से मेरा भविष्य? तो यही है वो औरत जिससे सावधान रहने के लिए गुरुजी मुझे कह रहे थे, यही है वो। इसका मतलब मैं जो चाहता था वो जरूर होगा, क्योंकि अब मेरी होगी। अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो मैं भी जाकर आराम करना चाहूंगी, बहुत थकी हुई हूँ। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। एक्सक्यूज मी। Thank you.
आपको यूं ही परेशान कर। मरे हुए लोग वापस नहीं आते थे। अपने आदमियों से कहना कि आइंदा तस्वीर साफ कीजिए, खासकर उस अमर की। मुझे यकीन है कि वो सागर ही है। एक बार तुम भी उसकी साफ तस्वीर देख लोगी तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। इंदुरा जी को इस बात का विश्वास है कि वो सागर ही है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि जिस तरह दिव्या हूबहू विद्या है, वो लड़का अमर भी सागर हो? अगर वो सागर ही है तो दिव्या का उससे मिलना, यानी दोनों लौट आए और मिल भी गए। काश कि हम उस लड़के को देख पाते। मैं ठीक हूँ कामना, तुम कैसी हो? दीदी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। दिव्या कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। कैसा था बनारस? अच्छा था। हमने सुना कि वहाँ आपको कोई गाइड मिला था जिसने आपकी बहुत मदद की थी। क्या नाम बताया था सिंदूरा जी ने? अमर। अब मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज आपसे बाद में बात करूँ। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। ये दिव्या बनारस के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती? या फिर ये उस अमर के बारे में बात नहीं करना चाहती? कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। 75,000 का प्रबंध हम कहां से करें? एक तरफ चिंटू की ऐसी हालत और दूसरी तरफ बाबूजी ने घर बेचने का निर्णय कर लिया है, तो इसमें हम क्या करें? हम क्या करें इसमें? सबसे बात कर लिया, सबके सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हम है ना हमारे बाबूजी से बात करेंगे। हाँ, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। देख ना, वो तेरी जरूर मदद करेंगे। हम सच कह रहे हैं, इससे हमारा वादा है। हम चिंटू को कुछ नहीं होने देंगे। करते हैं तुझसे, ठीक है? वो लड़का अमर वो सागर ही है, और ये लड़की विद्या। जब गुरुजी ने बताया कि लड़की मेरे अंत का कारण होगी तो तुम्हें विश्वास हुआ ना? जी दीप, मैं मानती हूं कि आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन ये कल की लड़की आपको क्या हराएगी? और आप तो जब चाहे उसे मार सकती हैं। जानती हूँ, और मैं ऐसा ही करूंगी। बस ये अमावस के 15 दिन खत्म हो जाए, इस वक्त मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर कर सकती हूँ जो शायद दिव्या को खत्म ना करे लेकिन
वो हमारी जिंदगी से दूर जरूर हो जाएगी। कामना और सम्राट का ये जो नया रिश्ता बना है, उसके बारे में दिव्या को पता नहीं है ना? दिव्या दीदी, दिव्या दीदी, कैसी हो कामना? दिव्या दीदी, कहाँ खोई हुई थी आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? कुछ तो जरूर है। कहीं आपको प्यार तो नहीं हुआ? हुआ है ना? नहीं, कैसी कैसी बातें कर रही हो। बता दीदी, आपके जाने से पहले भी हमारी बात हुई थी, आपको याद है? तब हमने आपसे पूछा था कि जब किसी को प्यार होता है तो पता कैसे चलता है। आपका तो नहीं पता, पर हमें जरूर पता लग गया है कि आपको प्यार हुआ है। पता नहीं दीदी, हमें से क्यों लग रहा है मानो आपको आपका सच्चा प्यार मिल गया हो। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है। तभी तो देखो ना, कितनी ग्लो कर रही हो। अभी तुम्हें स्माइल बता रही है कि सच में तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला है। ओह रियली? कौन है? अब सही कह रही हो दीदी, हमें प्यार हो गया है। हम बदल गए, हमारी सारी दुनिया बदल गई। अब जीवन कितना सुंदर लगता है, सब उनके कारण, उनके हल्के से छूने से हम कांप उठते हैं। उनकी कही हर बात मानो कानों में मिश्री घोलती है। वेलकम, देखे हम तो दोस्ती करने फायदा। ऐसे लगता है उन्हें बस सुनते ही जाओ। उनके साथ बाटी हर हंसी, हर मुस्कान, हर वो खुशी का पल, हर पल हमारे साथ रहता है। चलिए। ये हुई ना बात। सच, प्यार से प्यारा एहसास दुनिया में दूसरा नहीं है। है ना दीदी? हाँ, यानी प्यार के एहसास को आप भी पहचानती है। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मैं समझती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन तुम भी ना बातें मत बदलो। मुझे तो तुम जल्दी से ये बताओ कि कौन है वो। सुनो, दिव्या कहाँ? जी वो अपने कमरे में है। बता दे, बताओ। आप उन्हें जानती है? मैं जानती हूँ। कौन है बताओ ना। इतनी आसानी से नहीं बताएगी, आप सोचिए। नहीं, बताओ बताओ, इतनी पहेलियां मत बनाओ, सीरियसली बता दे। बताओ कौन है? बता दे। उसका नाम है दीवा। तुमने तो कहा था कि तुम थक गई हो। मैं और कामना कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और अभी वो मुझे कुछ बहुत ही अच्छी सी बात बताने वाली थी। कामना जी, थोड़ी चाय पिलाओगी? जी अभी लेकर आते हैं। मेरे कमरे में रख देना। जी ठीक है।
आज तुम्हें वक्त रहते पहुंच गया, और हर बार ऐसा नहीं होगा सम्राट। कामना का मुंह बंद करना ही होगा किसी भी हालत में। आप अमर की मदद करेंगे ना? चिंटू का अस्पताल में भर्ती होना बहुत जरूरी है हमारी खुशी के लिए। मान जाइए ना बापू, मान जाइए बापू। बेटिया, हम जो भी करेंगे तुम्हारे लिए ही करेंगे। आखिर तुम हमारी एकलौती बेटी जो हो, चिंता मत करो, हम अमर की मदद जरूर करेंगे। जाओ बेटा, अमर से जाके कहो वो हमें आके मिले। हमारे सबसे अच्छे बापू, हम अभी अमर को भेजते हैं, ठीक है? जाओ जाओ। बात क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, या थकी हुई हूँ थोड़ा सा। परम जी, अब पूरी जिंदगी आपने छुरी कांटा चम्मच खाया, अब हाथ का आनंद लीजिए। अच्छा, हाथ का आनंद बहुत बहुत मजा आता है। ट्राई ट्राई वंस वंस चलिए। मैडम जी, संकोच नहीं, संकोच कहीं तो आनंद नहीं आएगा। दीवा, तुमने ये आदत कहाँ से सीख ली हाथ से खाने की? सॉरी, पता नहीं, आई एम सॉरी। जब से तुम बनारस से लौटी हो ना, बात बदल सी गई। आखिर ऐसा हुआ क्या वहां? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम तुमने इसी बहाने हिंदुस्तानी तौर तरीके तो सीख लिए। अच्छा ही है, अब जब यहाँ रहना है यहाँ के तौर तरीके भी आने चाहिए। ये तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ? अरे, तुम्हारे सामने तो गुरुजी ने कहा था, और गुरुजी का कहा आज तक तो गलत साबित नहीं हुआ। अगर ऐसी ही बात है तो पहली बार आप लोग गुरुजी का कहा हुआ गलत होते हुए देखेंगे, क्योंकि दो दिन बाद मैं लंदन जा रही हूँ। सम्राट, जाना जरूरी है, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अमर से दूर, बहुत बहुत दूर। कावेरी, अमर आया है, जरा चाय बनाओगी? जी। आओ अमर, आओ बैठो। हमें चिंटू के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। हाँ, और बिंदिया बिटिया भी कुछ बता रही थी, तुम्हें 50,000 से 75,000 की जरूरत है चिंटू के इलाज के लिए। ये भी कह रही थी कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो अच्छा होगा चाचा जी, बहुत आभारी होंगे आपके। कसम गंगा मियां की, एक एक पाई वापस लौटा देंगे, बस हमारी मदद कर दीजिए।
हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। सच में? अरे कैसे धन्यवाद करें आपका चाचा जी। शुक्रिया शुक्रिया। एक मिनट अमर, हमारी एक शर्त है। अरे आपकी सारी शर्तें मंजूर है चाचा जी। आप महान हैं। आप तुम्हें बिंदिया के साथ शादी करनी होगी।